अगर आपको क्विक एंटरटेनमेंट की गोली चाहिए तो आप लोग ये मूवी देख सकते हो। वैसे ये मूवी कैपकॉम की एक वीडियो गेम है, उसके ऊपर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा मॉन्स्टर हंटर मूवी के बारे में। तकरीबन 103 मिनट लंबी ये मूवी है। तो अब इस मूवी की कहानी की चर्चा कर ले हम। जितना इसके ट्रेलर में दिखाया गया उतना ही बताने की कोशिश करूंगा। देखो, इसके ट्रेलर में दिखाया गया है कि दो पैरेलल वर्ल्ड है, एक जो इंसानों का जहां हम जैसे इंसान रहते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, और एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर मॉन्स्टर और इंसान दोनों रहते हैं। तो एक लेडी जो कैप्टन है फौज आर्मी के अंदर है, जिसका नाम होता है आर्तमिस, जब ये अपने उस सोल्जर्स के साथ एक गुम हुई टुकड़ी को ढूंढने जाती है, तो वहां पर ये खुद एक तूफान में फंस जाती है, और ये वाला तूफान इसको उस पैरेलल वर्ल्ड में लेके चला जाता है, अब जहां पर ये मॉन्स्टर है। अब ये अपने आप को, अपने साथियों को बचाती है यहां पर, जैसे तैसे कोशिश करती है, और ये वाला जो सर्वाइवल है, इनके जीने का जो सर्वाइवल है, ये सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कैसे अपने आप को बचाती है, कैसे अपने वर्ल्ड में वापस जाती है, तो ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर इस मूवी की कहानी की बात करें तो ये कोई कहानी नई नहीं है। इसमें मेन फोकस जो है यहां पर एक्शन के ऊपर, फाइटिंग सीक्वेंस के ऊपर, इसके ऊपर किया गया है। क्योंकि यार देखो, इसके अंदर कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट तो है नहीं, ना ही कहानी कोई डेवलपमेंट है। ज्यादातर इनका मेन फोकस आपको इस पे रहेगा कि आपको फाइटिंग सीक्वेंस दिखा दें या नए नए क्रिएचर दिखा दें, इसके ऊपर का ज्यादा फोकस रहा है। इस मूवी की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कि कब ये नए वर्ल्ड में जाते हैं, वहां पर जो इनके साथी मरते जा रहे हैं, तो एकदम से चीजें भागती हुई नजर आती हैं। मतलब आपको सोचने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ यार क्या हुआ, कैसे हुआ। ये स्टार्टिंग में तो अच्छी लगती है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन बाद में ये इंटरेस्ट खोने लग जाती है। जैसे मैंने कहा कि यार इस मूवी का मेन फोकस फाइटिंग सीक्वेंस और इनके सर्वाइवल के ऊपर है, ना इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, कहानी भी इतनी डेवलप्ड आपको नहीं मिलेगी। और इसके अगर VFX की बात करूं तो यार बहुत ज्यादा मुझे चीप VFX लगे, खासकर एंडिंग वाले VFX। सच कह रहा हूं यार, अगर वो एंडिंग वाला VFX ना डालते, एक बिल्कुल नॉर्मल सी अगर एंडिंग कर देते तो फिर भी ठीक होता, लेकिन जो इन्होंने ये दिखाया उनको उड़ते हुए, उनको मारते हुए, खैर मैं नहीं बताने वाला वो क्या था, जब आप ये मूवी देखोगे तब आप खुद जान जाओगे। लेकिन जो भी इन्होंने एंडिंग में दिखाया यार, उसकी सच में कोई भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सिंपल सी प्यारी सी एंडिंग करके इसको छोड़ देते, फिर भी थोड़ा बहुत हमें अच्छा लग जाता वहां पर। ऐसा नहीं है कि यार मैं इसकी बुराई करूंगा, कुछ अच्छी चीजें भी हैं अगर उनके बारे में बताऊं तो। जैसे कि ये मूवी ज्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट मूवी है, जो अच्छी बात है। दूसरी चीज की इसके अंदर जो स्पीड है इस मूवी की, वो काफी ज्यादा तेज है, मतलब आपको बोर होने का इतना मौका नहीं देगी। तो कब मूवी स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये अच्छी बात में कहें या बुरी बात में, वो देखो आप लोगों के ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हो। आप इसको वन टाइम वॉच मूवी के अंदर कंसिडर कर सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, कौन सा सीन आपको ज्यादा अच्छा लगा, या फिर जो फाइटिंग सीन उनके अंदर दिखाते। कुछ एक सीन सच कहूं तो यार काफी ज्यादा अच्छे लगे थे मुझे, जैसे कि उन जानवरों का बाहर, जो नए नए क्रिएचर थे वो बाहर आ रहे थे, मकड़ी जैसे जिनका क्रिएचर थे वो बाहर आ रहे थे, जो उनका वो खौफनाक था वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। कुछ एक सीन मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन ओवर द ऑल बात करूं यार ठीक थी, ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं कह सकते, लगभग मैं कह रहा हूं ना ठीक ठाक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।